गठबंधन पर हमला बोला है विपक्षी गठबंधन, राम विरोधी आरक्षण विरोधी है, सीएम योगी ने कहा। ये लोग औरंगजेब का जजिया कर लगाएंगे और कांग्रेसियों में घुसी औरंगजेब की आत्मा, पाकिस्तान और इंडिया गठबंधन का डीएनए एक है, ये सरकार में आए तो शरारत करेंगे। एसपी कांग्रेस ने बंटवारे की राजनीति की है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने ये तमाम बातें कही हैं और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है, उन्होंने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन राम विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, ये लोग औरंगजेब का जजिया कर लगाएंगे, कांग्रेसियों में औरंगजेब की आत्मा घुसी हुई है, पाकिस्तान और इंडी गठबंधन का डीएनए एक ही है, ये सरकार में आए तो शरारत करेंगे। एसपी कांग्रेस ने बंटवारे की राजनीति की है, ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है इंडी गठबंधन के लिए। तो बता दें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडी गठबंधन का डीएनए एक ही है, ये सरकार में आए तो शरारत करेंगे। एसपी कांग्रेस ने बंटवारे की राजनीति की है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए ये बड़ी बातें कही हैं, उन्होंने विपक्षी गठबंधन को राम विरोधी बताया है, आरक्षण विरोधी बताया है। अगर कांग्रेस और कांग्रेस नेतृत्व का इंडी गठबंधन आएगा तो ये राम विरोधी है, ये भारत की आस्था का विरोधी गठबंधन है, यह देश के आरक्षण, देश में अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण के लोग विरोधी हैं, ये लगातार इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं। जो यूपीए सरकार ने पहले ही रंगनाथ मिश्रा और जस्टिस सच्चर कमेटी की कमेटी गठित करके ओबीसी और एससी एसटी के आरक्षण में सेंध लगाने का प्रयास किया था, ये शरारत फिर से करेंगे और आम जनता को भी उनकी खुशहाली देखने की बजाय ये लोग संपत्ति का सर्वे करा करके आम जनता को भी तबाह करके वरासत टैक्स के नाम पर औरंगजेब का जजिया कर लगाने का प्रयास करेंगे। औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है इंडी गठबंधन के अंदर, इस इंडी गठबंधन को जो भारत की बर्बादी की कहानी लिखने की बात करता है और उस प्रकार के दस्तावेज अपने घोषणा पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करता है, इनको एक सिरे से खा